टीवी की गौरी मैम यानी एक्ट्रेस नेहा पेंसे को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक्ट्रेस के घर पर चोरी हो गई है। खबरों के अनुसार नेहा के मुंबई वाले घर से 6 लाख रुपए के गहने गायब हो गए हैं, जिसके बाद इस मामले की रिपोर्ट नेहा के पति शार्दुल सिंह ब्यास के ड्राइवर ने पुलिस में दर्ज कराई है। अब इस खबर की पुष्टि खुद एक्ट्रेस ने भी कर दी है। हाल ही में जून से बात करते हुए नेहा पेंसे ने कहा कि मैं इस मामले पर बात करने में सहज नहीं हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये न्यूज लीक कैसे हुई, लेकिन हाँ ये सब बातें सच है, मेरे घर पर चोरी हुई है। पुलिस में दर्ज करवाई गई रिपोर्ट के अनुसार नेहा से उनके पति की एक डायमंड रिंग और डायमंड ब्रेसलेट गायब है, जिसे वो घर आने पर अपने नौकर सुमित को उतार कर दे देते हैं और वो उसे अलमारी में रखता था। वहीं जब कुछ दिन पहले शार्दुल घर से कहीं बाहर जा रहे थे, तब उन्हें अलमारी में अपनी ज्वेलरी नहीं मिली, जिसके बाद घर के सभी नौकरों से इसके बारे में पूछताछ की गई, लेकिन किसी से कोई जानकारी हासिल नहीं मिली। जब नौकरों से पूछताछ की जा रही थी तो सुमित उस वक्त घर से बाहर था। जब उससे फोन कर गहनों के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि उसने वो सारे गहने अलमारी में ही सारे गहने रखे थे, लेकिन जब काफी ढूंढने के बाद गहने घर में नहीं मिले तो शार्दुल ने अपने ड्राइवर से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने के लिए कहा। वहीं पुलिस ने तुरंत मामले की जांच पड़ताल की, जिसमें उन्होंने नेहा पेंसे के नौकर सुमित को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल फॉलो करें।